साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती से बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने रालोद के एक विधायक के प्रश्न का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, इसमें लगभग 35,000 पद होंगे, जिनमें 26,000 कुछ पद तो सिविल पुलिस के और 8,000 कुछ पद पीएसी के होंगे। तो पदों की संख्या 35,000 होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, उन्होंने पूछा कि 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो क्या 3 साल एज में छूट दी जाएगी? तो मंत्री जी का कहना था कि एज में छूट का भी कोई विचार नहीं है, तो अब आप खुश हो जाइए क्योंकि पद आ रहे हैं 35,000। एज के लिए जो बात है वो ये है कि आप अपने अपने विधायक के थ्रू इस बात को भर्ती बोर्ड तक पहुंचाइए कि 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, एज कम से कम हर प्रत्येक वर्ग को 3 साल की छूट दी जाए कॉमन, तो शायद ये लोग सुने, अन्यथा ये लोग ट्विटर कैंपेन से नहीं सुनने वाले, नहीं सुनते हैं। लेकिन अभी से अगर आप कोशिश करोगे तो शायद भर्ती बोर्ड सुन ले, भर्ती बोर्ड में जाके अध्यक्ष से मिलके भी आप उसको ज्ञापन दे सकते हो। समझे मेरी बात? तो तैयार हो जाइए 35,000 पदों के लिए। भर्ती बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जो तकनीकी बिड होती है, टेंडर होता है, उसके तकनीकी परीक्षण होता है कि क्या ये कंपनी एग्जाम कराने में सक्षम है, तो वो भी हो चुका है। अब आप लोग किसी भी समय जून के प्रथम सप्ताह 10 तारीख तक आपके फॉर्म भरने की डेट आ सकती है।